हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमो कार गेमिंग वाले चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत टाइम से यार मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था डाटा स्टोरेज से रिलेटेड। अब ये प्रॉब्लम मुझे क्यों फेस करनी पड़ी ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये भी बता देता हूं कि 2 साल पहले मैंने अपना पीसी बिल्ड कराया था। आप लोगों ने उसका वीडियो ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा हो तो ऊपर आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो उसके अंदर हमने 1 TB SSD के साथ साथ 10 TB SATA भी यूज़ की थी, और उस टाइम पर भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि सर ये 10 TB SATA आपने क्यों लगवाई, इसमें इतनी हार्ड डिस्क आप क्या करेंगे। तो यार मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं, मल्टीमीडिया कंपनी हम रन करते हैं अपनी नमोकार चैनल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो हमारी जगह जगह इतने सारे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग होती रहती है। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास PS4 PC गेम्स का भी बहुत बड़ा कलेक्शन है। अब आपको पता है यार PS4 गेम्स की अगर मैं एक गेम की बात करूं तो अराउंड 50 GB का सेटअप होता है, और मेरे पास PC की अप टू 1000 गेम्स का कलेक्शन है। इसके अलावा PS4 का भी अराउंड 600 गेम्स का कलेक्शन होगा, बल्कि अब तो और बढ़ गया होगा जब से वो 6.72 का जेल ब्रेक आया है। तो बहुत सारे लोग हमसे अपनी हार्ड डिस्क फुलफिल कराते रहते हैं। अगर आपके पास भी इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो आप भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर हमसे गेम लोड करा सकते हैं। सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप जाएंगे तो वहां डिटेल आपको मिल जाएंगी अदर, और उसमें हमने फ्री गेम्स के डाउनलोड के लिंक भी आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं एक यूनिक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की। तो वहाँ तो हमने 10 TB SATA यूज़ की थी, लेकिन आज हम अपने PC में अटैच करने वाले हैं 16 TB की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग देखिए, और उसके बाद मैं आपको डिटेलिंग से बताऊंगा कि मैंने वो हार्ड डिस्क क्यों परचेज की। तो गाइस आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट हमें आज ही रिसीव हुआ है Amazon से। आपको मैं पूरा वैसे दिखा देती हूँ, अनबॉक्सिंग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमें नेहरू प्लेस वगैरह कहीं की मार्केट में नहीं मिला, तभी हमने इसको ऑनलाइन परचेज किया। अब करते हैं इसकी एक प्यारी सी अनबॉक्सिंग की स्टार्ट। तो अब हम पॉलीपैक रिमूव कर देते हैं, और ये हमें हार्डबोर्ड मिल गया है अंदर से। आप देख सकते हैं कार्टन बॉक्स में पैक है ये। ऐसे एक्सपेंसिव चीज़ों में सेफ्टी का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जब डिलीवरी पर्सन आया था इस प्रोडक्ट को देने के लिए, तो उसने एक स्पेशल OTP कोड हमसे पूछा और कहा कि भाई जिसके पास ये कोड होगा उसी का ये प्रोडक्ट है, चाहे किसी का भी नाम इस पर मेंशन हो, मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। इससे पता चलता है कि कितना ध्यान रखा जाता है एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए। ऑनलाइन सर्विसेज भी आजकल बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये Seagate कंपनी की 16 TB की हार्ड ड्राइव है। आपको पता है ये डेस्कटॉप ड्राइव है, आप PC के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोरेज स्पेस को एक्सटेंड करने के लिए। ये देख सकते हैं Seagate कंपनी का स्पायरल लोगो है, इधर मेंशन भी है 16 TB है, और बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। जब हमें पता है कि हमारे एक्सपेंशन वाले बहुत सारे वीडियोस होते हैं, जैसा कि आपको पता है हमारे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, तो बहुत सारा डेटा हमें स्टोर करके रखना पड़ता है सेफ्टी के नज़रिए से, इसलिए ऐसी हार्ड ड्राइव्स का यूज़ होता है। अदरवाइज ऐसी चीज़ों की नीड हर किसी को नहीं पड़ती है। तो गाइस जैसा मैंने बताया PC को स्टोरेज प्रोवाइड करता है, यही बात काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में इसके बैक में लिखी हुई है, जैसा कि फ्रंट मैंने मेंशन कर दिया है, बैक में ये चीज़ें लिखी हुई है। गाइस बता देती हूँ ये थाईलैंड का प्रोडक्ट है, इसका प्राइस भी यहाँ पर मेंशन है, दैट इज 46,499, मतलब लगभग आपको 46,500 की पड़ जाती है ये हार्ड ड्राइव। और वैसे भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में यूज हो रही है ऐसी एक्सपेंसिव चीज, और मीडिया हाउसेस में यूज होती है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ये इससे सस्ता पड़ जाता है, लेकिन शायद आपको 16 TB की नीड नहीं होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा स्टोरेज की नीड मीडिया हाउसेज या कॉर्पोरेट ऑफिसेज में होती है। अगर आप PS4 या PC के गेम्स वगैरह स्टोर करना चाहते हैं तो 1-4 TB तक की हार्ड डिस्क ज़्यादातर यूज़ की जाती है, और अभी वैसे भी काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है हार्ड डिस्क वगैरह पर, जो कि आपके आसपास की शॉप्स से आपको काफ़ी सस्ता ऑनलाइन मिल जाता है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप हार्ड डिस्क वगैरह अभी परचेज करने वाले हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। छोटा बॉक्स भी है, इसमें वायर्स वगैरह होंगी, USB या चार्जर वगैरह होगा इसके अंदर, मैं आपको दिखा देती हूँ।
सभी प्रोडक्ट्स को पहले बाहर निकाल लेते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको शो करूंगी। दोस्तों पहले सभी प्रोडक्ट्स को निकाल लेते हैं, फिर एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। गाइज ये शॉर्ट बुकलेट्स है, इसके अंदर बताया गया है हार्ड डिस्क को कैसे यूज करना है, इसकी नीड नहीं है। हम सबको पता है यार हार्ड डिस्क कैसे यूज की जाती है। गाइज ये नॉर्मल वाली यूएसबी केबल है जो कि हर तरह की हार्ड डिस्क में यूज होती है। बस फर्क इतना है कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। आपको जो बाकी हार्ड ड्राइव के साथ केबल मिलती है वो काफी छोटी होती है। देखिए इसकी लेंथ काफी अच्छी है, मेरे ख्याल से 1 मीटर होगी लगभग। गाइज ये 5 प्लग है, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से इसका पता चलता है कि आप किसी भी कंट्री में अगर इन हार्ड ड्राइव्स को यूज करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पावर बोर्ड में इनको लगाने में। इसलिए आप इंडिया के हिसाब से अगर कहें तो नॉर्मल यही वाला प्लग यूज होता है। ये पावर अडेप्टर है जिसको मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ। प्लग तो यार एक कॉमन चीज थी इसलिए मैंने ओपन भी नहीं किया। अच्छा इसके अंदर भी एक प्लग दिया हुआ है, ये देखिए जरा, ये इंडिया के हिसाब से पैकेजिंग की गई है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से जिस कंट्री में भी इसकी डिलीवरी होती है उसके हिसाब से एक प्लग आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है। इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ, बाकी प्लग की नीड नहीं थी इसलिए मैंने दिखाया नहीं आपको। ये देखिए कैजुअली ये आप यूज करते हैं अपने घर में। गाइस पावर अडेप्टर में सेफ्टी बोर्ड लगा रखा है, इसको मैं दिखाती हूँ आपको अटैच करके भी पीछे स्विच को। ये देखिए यहाँ पर एक पुश बटन है, यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे आप, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब आप इसको लगा सकते हैं स्विच को अपनी कंट्री के हिसाब से। इस तरह से आपने इसको अटैच कर दिया, अब आप इसको पावर बोर्ड में लगा सकते हैं और यहाँ से आप हार्ड डिस्क को अटैच कर लेंगे। अब आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट यानी हार्ड डिस्क के ऊपर। ये देखिए अब इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। पॉली पैक है ये अंदर से, और ये पॉलीथिन को रिमूव करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ट्रायंगल डिजाइन बने हुए हैं। गाइस आप देख सकते हैं यह ट्रायंगल डिजाइन है, ये वेंटिलेशन के लिए है, हार्ड डिस्क गर्म ना हो जाए। और ये देखिए ये पिन है, पावर अडेप्टर वाली पिन यहाँ पर आप लगाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। इससे ज्यादा हार्ड डिस्क में और कुछ नहीं दिया जाता, बस ये स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। तो दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, नोनी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ कि नॉर्मली जो भी हार्ड ड्राइव आप यूज़ करते हैं 1 टेराबाइट से 5 टेराबाइट तक या 6 टेराबाइट भी अब मार्केट में आने लगी है तो उसमें यूएसबी पोर्टेबल आपको हार्ड ड्राइव मिल जाती है। लेकिन जैसे कि आपने देखा अनबॉक्सिंग में पावर अडेप्टर भी था, तो वो इसी वजह से, क्योंकि जितनी भी बड़ी आप हार्ड ड्राइव यूज़ करेंगे, जैसे मैं बात करूँ 8 टेराबाइट की, 10 टेराबाइट की, 12 टेराबाइट की, 14 टेराबाइट की, और अब ये लास्ट है 16 टेराबाइट, मतलब इससे ऊपर की कोई टेराबाइट वाली हार्ड डिस्क अभी तक नहीं आती मार्केट में। और ये भी यार मैं आपको दिल से बताऊं, जैसे नोनी जी ने स्टार्टिंग में बताया कि नेहरू प्लेस की किसी भी मार्केट में हमें मिली नहीं है, मतलब हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए हम परेशान रहे, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा कलेक्शन है अपनी गेम्स का, तो यार मैं उन्हें सिक्योर करना चाहता था। तो ऑलरेडी मैं 10 टेराबाइट साटा यूज़ कर रहा हूँ अपने पीसी की, लेकिन फिर भी यार जितनी मेहनत से हम गेम का कलेक्शन बनाते हैं, एक एक गेम आपको पता है डाउनलोडिंग करने में कितनी मेहनत लगती है, भले इंटरनेट स्पीड कितनी भी अच्छी हो, लेकिन बहुत सारी गेम्स में ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो टोरेंट का लिंक आपको आज मिल जाएगा वो कल नहीं मिलेगा, और बहुत सारी वेबसाइट बैन हो जाती है। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये सारा डेटा मुझे सिक्योर करना चाहिए। और अभी करंटली की मैं बात करूँ तो अराउंड मेरे पास 12 टेराबाइट का डेटा है टोटल, और 12 टेराबाइट के डेटा को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अपनी 4 टेराबाइट की 3 हार्ड डिस्क में। लेकिन मैं चाहता था कि एक हार्ड ड्राइव मेरे पास ऐसी भी हो जिसे मैं बैकअप के तौर पे यूज कर सकूं, क्योंकि आपको पता ही है यार हार्ड ड्राइव कभी भी क्रैश कर जाती है, और ऐसा मेरे साथ हो भी चुका है पहले। तो मैंने इसी वजह से ये कदम उठाना सही समझा। हो सकता है कि आपके लिए यूजफुल ना हो, और बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि सर आपको नेस्ट ट्राई करना चाहिए था तो वो हमारा लोकल होस्टिंग नेटवर्क बन जाता, तो यार वो चीज़ भी हम इन फ्यूचर जरूर ट्राई करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए का बजट निकालना होता। तो फिलहाल मुझे यही सही लगा कि इस हार्ड ड्राइव को हम परचेस करके इसमें अभी अपना डेटा करंटली का सिक्योर कर लेते हैं, और उसके बाद तो डेफिनेटली कि इन फ्यूचर जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ता जाएगा तो हमें नेस सर्वर को ये एडोप्ट करना होगा। आई होप आपको इसकी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। अगर आप भी हमसे पीसी, PS4, PS3, निंटेंडो स्विच, किसी भी प्लेटफॉर्म की गेम्स डलवाना चाहते हैं, कॉपी कराना चाहते हैं अपनी हार्ड डिस्क में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको सारी हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाकर एक बार विजिट जरूर कर लेना। वहाँ पर हम टाइम टू टाइम गेम्स के लिंक भी डालते रहते हैं जिससे आप 1 क्लिक में जाकर गेम्स को डाउनलोड कर सकें। अगर आप बल्क में गेम डलवाना चाहते हैं तो फिर तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा
कि आप हार्ड ड्राइव हमारे पास कोरियर करा दीजिए और हम बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपकी सारी फेवरेट गेम लोड करके दे देंगे। जो गेम आपको कहीं भी नहीं मिलेगी 99% चांसेस है कि हमारे पास मिल जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।